Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you, folks? I hope you enjoyed the last lecture. But today we are dealing with a tricky matter. Our today's topic is evolution of public administration, and it is very tricky, very boring at times to go through the history, to learn from the history. Is it right, Anyway, today, because we हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगालना जरूर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में कहां से आई क्या क्या इस पे इसमें से फेज कौन कौन सी फेजेस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी और अल्टीमेटली आजकल हम इसकी कौन सी फेज में रह रहे हैं और ये किस तरह डेवलप होती चली गई इससे पहले कि हम डिवेल uh, करें ऑन दूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेट मी टेल यू वट इज द एजेंडा फॉर टूडे एंड देन ऑफकोर्स विल बी reviewing our revising our last lecture so our agenda for today is preview of the last lecture then of course public administration will be the part of the preview then phases of public administration history of public administration we're talking about the Taylor's approach, Gulick, another social scientist, and his approach of post Cobb. Then we'll be discussing the scenario of post World War, then from 1970 to 1980, the decade, from 80s onwards into 90s, and from 90s to onward up till now. We'll be discussing today. Then, of course, we have the quote of the day so let us start with the preview you remember what we did in the lecture number 3 we talked about the role of public administration so let me reiterate the role of public administration today role as basis of the government इस बात पर डिस्कस किया था डिवेल्प किया था कि ये क्या रोल प्ले कर रही है इन बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट देन रोल इन ए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है रोल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ये पब्लिक पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कैसे है ये कैसे फॉर्मुलेट करने में मदद करता है जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है लोगों के लिए कॉमन गुड के लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है उसमें ये क्या रोल प्ले करता है देन रोल एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज से हम जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके अगर आज हम देखें तो बहुत बदल चुके हैं पाकिस्तान के बहुत सारी स्टेट्स बदल चुकी हैं पाकिस्तान के शहरों की हालत बदल चुकी है पाकिस्तान के गांवों की हालत बदल चुकी है, है। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों में अमेरिका से आया वो इस्लामाबाद में पैदा हुआ था यहीं पर वो पढ़ा लिखा लेकिन वो 83 में यहाँ से अमेरिका चला गया समहाओ चूँकि उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं थे उसका पाकिस्तान में चक्कर ही नहीं लगा हमारे एक दोस्त के बेटे की शादी में जब वो आया तो उसने मुझे कहा कि आई वॉज लॉस्ट इन इस्लामाबाद क्योंकि ये वो इस्लामाबाद ही नहीं था जो 83 में मैंने देखा था अभी तो ये बिल्कुल बदल चुका है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैंने कहां जाना है कौन सी रोड लेनी है और किस तरह किसी जगह पर पहुंचना है आप इमेजिन करें कि इन थर्टी ईयर्स टाइम ऑलमोस्ट थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स टाइम चीजें कितनी बदल गई ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इस पर भी हमने एम्फिसाइज किया था कि ये जो रोल है इसका एज ए स्टडी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जितने सिविल सर्वेंट्स बनते हैं जब तक वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी नहीं करेंगे तो अच्छे इंप्लीमेंट कैसे बनेंगे और वो रिसर्च कैसे करेंगे कि कौन सी चीज जो पहले की जा रही थी उससे ये चीज बेहतर हो सकती है फिर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल भी देखा था कि वो मॉडल क्या था ए बी सी डी ई याद आ गया होगा आपको अब फिर हमने फोर डी साइकिल के बारे में बात की थी मैंने आपको यह बताया था कि फोर डी साइकिल जो है दैट स्टार्ट विद डिस्कवरी देन वी गो टू ड्रीमिंग देन डिजाइनिंग एंड देन डिलीवरी और मैंने आपको फिफ्थ टी वी बताया था जो कि डेस्टिनी क्रिएट करता है जितना अच्छा हम काम करते हैं उतनी अच्छी हमारी डेस्टिनी होती है आपने वो शेर सुना होगा ना अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर वो इसी से रिलेट करता है कि जब तक हम प्रॉपरली किसी चीज को ड्रीम नहीं करेंगे जब तक हम उसके बारे में डिजाइन नहीं करेंगे फिर उसको डिलीवर नहीं करेंगे तो तकदीर कैसे बदलेगी हमारी तो तकदीर बनाने के लिए ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं छोटे छोटे से एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो इसी से रिलेट कर रहे हैं हम उनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं हमने ये भी उसमें किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ एन एकेडमिक डिसिप्लिन एंड ए फील्ड ऑफ प्रैक्टिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाउस दी इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एंड एक्डेमिक डिसिप्लिन दट स्टडीज दिस इंप्लीमेंटेशन एंड दैट प्रिपेयर फॉर दिस वर्क हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात भी की थी कि इनको ट्रेन किया जाता है इनको डिवेलप किया जाता है ताकि ये बेहतर तरीके से जो कॉमन गुड के काम हैं जो पब्लिक सर्विस के काम है ये एग्जेक्टिव जो है सिविल सर्वेंट जो हैं यह कर सके एज ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी विद ए डाइवर्स स्कोप इट्स फंडामेंटल गोल इज टू एडवांस मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज सो दैट गवर्नमेंट कैन फंक्शन पॉलिसीज ना सिर्फ फार्मूलेट करने में उन्हें इंप्लीमेंट करने में और उसके साथ साथ सजेस्ट करने में रिकमेंड करने में कि हमें कौन सी पॉलिसीज जो हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए कौन किस तरह की पॉलिसीज जो हैं फार्मूलेट करनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को पहले से बेहतर जगह लेके जा सकें इसी तरह द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू द रियलिटी दैट सिटीजन सी एवरी डे यहां पर मुझे एक छोटी सी एग्जाम्पल याद आ गई जब कैनेडी नाम सुना आपने कैनेडी का रॉबर्ट कैनेडी जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो उसने जो अपनी पहली स्पीच की उसमें उसने कहा आई हैव ए ड्रीम एंड माय ड्रीम इज दैट आई वांट टू सी ए मैन ऑन द मून द नेक्स्ट टेन ईयर्स एन द डेट इट और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ ये जो अभी बात की है कि ये जो ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिसीज है इन टू द रियलिटी दैट सिटीजन सी एवरी डे रॉबर्ट कैनेडी वॉज एन इज वेल और जब हेड ऑफ द स्टेट बन गया तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि दस साल के अंदर अंदर हम चांद को भी मुसक्र कर लें and they did it. The study of government decision making, the analysis of the policies themselves, various inputs that have produced them, and the inputs necessary to produce alternative policies. Alternative policies कहाँ से आएंगी? एक policy ठीक नहीं है, या ठीक है उससे बेहतर हो सकती है, कहाँ से आएगी? जब तक हमें knowledge नहीं होगा, जब तक हम information किसी जगह से gather नहीं करेंगे, और जब तक फिर उसके ऊपर कमिटमेंट के साथ डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो जाहिर है हम ये सोचने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी कि हम इस पॉलिसी को जो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट की हुई है या फॉर्मुलेट की है हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी हमने बात की थी रोल uh, में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंस द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोग्राम दैट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू सर्व एज मैनेजर्स द एग्जेक्टिव आर्म ऑफ लोकल स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट जितने भी चाहे वो स्टेट के ऑफिस हैं चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उन सब में इन लोगों को प्रिपेयर किया जाता है तैयार किया जाता है और फिर इनको उसमें इंड्यूस किया जाता है ताकि वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें इट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन इन दोल्स जो रोल वो प्ले कर रहे हैं उसके लिए उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आपने ये काम इस तरह करना है कौन सा डिसीजन आप ले सकते हैं कौन सा डिसीजन आप नहीं ले सकते कौन सा डिसीजन किसी के साथ डिस्कस करने के बाद लेंगे कौन से डिसीजन में आप डिक्टेशन लेंगे और कौन से डिसीजन में आप डिक्टेशन देंगे डेवलपमेंट इंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव रिलेशन पब्लिक बजटरी प्रोसेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिसर्च मैथड्स ये सारे वो आस्पेक्ट हैं जो हमने किसी ना किसी हवाले से डिस्कस जरूर किए थे अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर के पहले पॉइंट की तरफ एंड दैट इज फेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब वो फेजेस कैसे डेवलप हुई बहुत अगर हम इसको कॉमन सेंस में लेना शुरू करें तो आपके ख्याल में यह कैसे होगा जब दुनिया वजूद में आई तो कितने लोग थे दो से चार हो गए पांच हो गए दस हो गए सौ हो गए हो सकता है दो सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ तक भी उनको शायद जरूरत ना पड़ी हो किसी और की मदद की और वह अपने काम खुद ही करते रहे हो लेकिन जूं जूं आबादी बढ़ती चली गई यह बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए कि वो अपने काम खुद ही कर सकें आपने ये भी देखा है ट्रेड्स होते हैं ना मैं एक काम अच्छा कर सकता हूँ लेकिन दूसरा काम हो सकता है मैं अच्छा ना कर सकता हूँ जिंदगी गुजारने के लिए वो दूसरा काम भी बहुत जरूरी है लेकिन वो मैं कैसे करूं मुझे तो आता नहीं है फिर मैं किसी और की तरफ देखूंगा कि वो ये काम करते लेकिन वो मेरा काम क्यों करेगा जब तक मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा वो मेरे लिए काम नहीं करेगा तो ये जो कुछ ले और कुछ दे का असूल था ये आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होना शुरू हुआ लोगों ने एक दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दिया आउट ऑफ लव भी आउट ऑफ एक्नोलेजमेंट भी एंड आउट ऑफ पेमेंट भी कि इसके मुझे पैसे मिलेंगे इसके बदले में मुझे कोई चीज मिलेगी तो लोगों ने फिर एक दूसरे का काम करना शुरू कर दिया 1950 तक जो भी काम चलता रहा दो अठारह में वुड्रो विल्सन आपको याद होगा मैंने वुड्रो विल्सन का जिक्र आपके साथ किया था आज उसकी मैं एक कोट भी आपके साथ शेयर करूंगा वुड्रो विल्सन ने अठारह में उसको बाबा आदम कहा जाता है उसको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उसने उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें डिवाइज करना शुरू कर दी थी बहुत सारे बातें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना शुरू कर दी थी और उसने यह भी कहा था कि जब तक हम ये पोलिटिकल हमारी जो हैरारकी है या पोलिटिकल मशीनरी है उसको हम एग्जेक्टिव मशीनरी के साथ मिला के काम नहीं करेंगे लेकिन उसके साथ से यह कि दोनों को लैदा रखेंगे ये नहीं कि वो बिल्कुल मिलके स्टेट जो है वो उसको ऑर्डर करे और जो मशीनरी है नीचे स्टेट मशीनरी जो कि एग्जेक्टिव मशीनरी कहलाती है वो जो काम करेगी वो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी हम शुरू कर देते हैं 1800 से लेकर 1950 तक मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट किस्म की अचीवमेंट डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं हुई उसके बाद जो दूसरी फेज आती है 1800 से लेकर 1950 तक की एक फेज हमने ले ली इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ जैसे मैंने वुड्रो विल्सन का जिक्र किया उसने कुछ बातें करनी भी शुरू कर दी कुछ कहना भी शुरू कर दिया उसके बाद जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिशन जिसको हम कहते हैं जब बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च भी होनी शुरू हुई इसके ऊपर किताबें भी लिखी जाने लगी लोग एक दूसरे को चैलेंज भी करने लगे सोशल साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थेरीज भी बनाना शुरू कर दी ये फिफ्टी एन का डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गई पहले जो थी वो ट्रेडिशनल क्लासिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी ये जो ट्रेडिशनल या क्लासिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें भी कुछ किताबें लिखी गई इसमें भी काम हुआ इसमें जो काम हुआ है हम जब आगे जाएंगे तो इसके बारे में भी आपके साथ तस्करा करेंगे लेकिन मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो स्टार्ट है वो नाइनटीन में हुआ उसको हमें एक एरा कह लेते हैं एक डेकेड कह लेते हैं जो 1950 से 1960 तक की है 1960 के बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक नया फेज आ गया वो जो नया फेज आया उसका नाम इन्होंने रखा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1970s में यह चलता रहा उसके बाद 1980 में एक और कॉन्सेप्ट आ गया और वो कॉन्सेप्ट था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बाद जब 1990 का दौर शुरू हुआ या 1990 की दहाई शुरू हुई तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट सोशल साइंटिस्ट ने दिया वो लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहे थे प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व थे टीचर्स थे फिलोस थे, थे, री उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नेंस आज का जो दौर चल रहा है इसमें यह कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नेंस के तौर पर लेना चाहिए गवर्नेंस क्या चीज होती है गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स करती है उनमें से आपको पता है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो रह जाते हैं जो पूरे नहीं होते जब वो पूरे नहीं होते वो कॉमन गुड के प्रोजेक्ट होते हैं पब्लिक सर्विस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पूरे नहीं होते हम कहते हैं दैट बैड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस यह है कि लोग जो कुछ चाहते हैं लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों रोटी कपड़ा मकान तीन ही चीजें होती हैं ना बेसिकली तो वो चीज़ें और उससे रिलेटेड जितना पैराफर्नीलिया है उससे रिलेटेड जितनी फैसिलिटेशन है अगर वो हम प्रॉपरली करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर जो हालात खराब नहीं होते जिस तरह टेररिज्म है ये सूरत हाल नहीं होती लोग एक दूसरे को कत्ल नहीं करते हंगामे नहीं होते फिर वारा नहीं होते और चीजें स्मूथली चलना शुरू हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज गुड गवर्नेंस वो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के बाद का जमाना आया है उसमें हमने इसको गवर्नेंस का नाम दे दिया अब इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं जो पुराने जमाने में जब लोग ज्यादा हुए तो उन्होंने सोचा कि यार ये इस तरह काम नहीं चलता कि मैंने दूसरे का काम कर दिया तो अब वो इन रिटर्न मुझे देगा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका आपने काम कर दिया लेकिन उन्होंने कुछ ना दिया जब आप में रिफ्ट पैदा हो गया जब आप में रिफ्ट पैदा हुआ तो अब आपको समझ नहीं आती कि इसका हल क्या है अल्टीमेटली लड़ाइयां शुरू हो गई जब लड़ाइयां शुरू हो गई तो अगर दो लोगों में लड़ाई होती है तो किसी एक का कसूर होता है ना या पहले किसी का कसूर था फिर लड़ाई शुरू हुई अब वो डिटर्मिन कौन करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम इस लेवल पर आ गए जहां पर हमने सोचा कि हमारा कोई लीडर होना चाहिए कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो इस गुत्थी को सुलझा सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके हमारे दरमियान ये जो प्रॉब्लम आ गई है इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हमें दे सके तो इस तरह आस्ता आहिस्ता चीफ्स बनने शुरू हुए चीफ्स के बाद जब हालात और आगे चले तो आपको पता है फे, फेरोज फिरोन जो थे उन्होंने कितना काम किया आज भी अगर आप पिरामिड्स देखें तो समझ नहीं आती कि ये पिरामिड्स कैसे बने होंगे अब उस पिरामिड को बनाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की गई होगी देखिए कितना मुश्किल काम है उसके बावजूद वो किया गया बहुत खूबसूरती से वो पिरामिड्स बनाए गए एंड दैट वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब उस वक्त के हालात में ये जो बादशाह होते थे या जिस तरह फिर थे वो भी बादशाह थे या जो कबीलों के चीफ होते थे इनको अपने ये काम करवाने के लिए इनको कॉन्टेक्ट चाहिए होते थे जिनको पेजेस भी कहते हैं पेजेस दो तरह के होते हैं एक वो जो कॉन्टेक्ट जिनको हम कहते हैं और दूसरा पीस ऑफ पेपर जिसको वारंट कहते हैं या समन कहते हैं आपने किसी को बुलाना है कुछ लिख के भेजेंगे उसे तो तब वो आएगा ना जब आपने ऑफिशियली उसे बुलाना है तो इनको इस तरह के लोग चाहिए होते थे फिर इनको ऐसे लोग भी चाहिए होते थे जो कि इनके पास जो दौलत है उसका कोई हिसाब किताब रख सके चोरी ना हो जाए उसके अलावा जो लोगों को सर्विस दी जा रही थी उस वक्त उन पर टैक्स भी लेना था लगान भी लेना था ज़िज़िया भी लेना था सो टैक्सेस इन सारी चीजों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए या जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको जमा करने के लिए और जमा करके उसको महफूज करने के लिए या फिर मुख्तफ किस्म के समन्स लिखने के लिए या अपने कॉन्टेक्ट यूज करने के लिए ज्यादा कॉन्टेक्ट को भी बुलाना है तो उसको भी तो समन ही करना पड़ेगा ना तो वहां पर वहां से ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खजाना है तो उसको फ्लान शख्स देख ले जंग हो रही है फौज का सिपा सालार कोई और है महल को के जो मामलात हैं उनको कोई और देख रहा है सरकार के जो मामलात हैं उनको कोई और देख रहा है कोई वजीर आजम है तो कोई उसमें वज़ीर है कोई एक तरह का वजीर है कोई दूसरे काम के लिए वज़ीर है कोई तीसरे के लिए वजीर है कोई सातवें के लिए वजीर है तो उन्होंने काफ़ी सारे जाहिर है ये लोग इसलिए रखे ताकि ये जो भी काम उनको एडमिनिस्टर कर सकें और एडमिनिस्टर वो कैसे करते थे लोगों के ज़रिए जब एक वजीर बनता था वो फिर अपने लोग भर्ती करता था उस वक्त जो क्राइटेरिया था सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या था इस बंदे को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए हिसाब अगर करना है अगर दो जमा दो करना है तो उसके लिए जाहिर है लोग ऐसे होने चाहिए ना जो पढ़ सकें समन अगर किसी को भेजना है तो जो जाके पढ़ के सुनाएगा उसको पढ़ना आना चाहिए और जिसने भेजना है जिसने लिखना है उसको भी आना चाहिए आपने अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो उसकी रसीद भी देनी है उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो वो लोग जो हैं थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो थे वो इसमें उन्होंने भर्ती करने शुरू कर दी लेकिन उसमें हुआ क्या उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि कि बहुत सारे लोगों ने जो किसी ना किसी हवाले से इन्फ्लुएंशियल थे उन्होंने अपने अपने लोग भर्ती करने शुरू कर दी किसी ने सिफारिश की ए, एक भर्ती कर दिया किसी ने सिफारिश की दूसरा भर्ती कर दिया किसी और की सिफारिश आ गई कोई और भर्ती कर लिया और इस तरह वो अपने लोगों को भर्ती करते चले गए इसको हम कहते हैं ज एंड दिस इजो कॉल्ड पोलिटिकल बैटनेज और अल्टीमेटली सिस्टम को जो नाम दिया गया एक ऐसा सिस्टम जो स्पॉयल सिस्टम था जो ठीक सिस्टम नहीं था इसलिए उसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं थे उसमें रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया गया था उसमें दोस्तों को अकोमोडेट किया था उसमें दोस्तों के दोस्तों को अकामोडेट किया गया था उसमें रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया, किया गया था तो इस चीज से ये वो शुरू शुरू के हालात हैं जो मे बी अठारह से पहले पहले जिस तरह हालात चल रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइम्स वो पुराने वक्तों की बात कर रहे हैं एबिलिटीज टू रीड एंड राइट एड एंड एज डोमिनेटेड बाई द एजुकेटेड एलीट एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उन्हीं लोगों को एंप्लॉयमेंट मिलती थी जो अलीट क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर बंदे के ना तो बस का रोग था ना ही हर बंदा जो है वो तालीम हासिल करता था सिर्फ वो जो एलीट थे वही मुख्त किस्म की तालीम हासिल करते थे और अल्टीमेटली वही इसका सिस्टम का हिस्सा बन जाते थे वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते थे अब उसमें जब करप्शन आ गई है जाहिर है अब अगर आप आए करप्शन से हैं तो उसके बाद भी आप करप्शन करेंगे किसी ना किसी हवाले से आप चीजों को यूजर्व करेंगे आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आप उस सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेंगे कॉन्सिक्वेंटली द नीड फॉर एक्सपर्ट सिविल सर्वेंट्स हुज एबिलिटी टू रीड एंड राइट फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन सच एक्टिविटीज एज लीगल रिकॉर्ड कीपिंग पेइंग एंड फीडिंग आर्मीज एंड लिविंग टैक्सेस As the European imperialist इम्पीरियलिस्ट progressed and the military powers extended एक्सटेंडेड hold होल्ड ओवर अदर and एंड पीपल नीड फॉर ए sophisticated पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन grew. जब आप अपनी उस एक पर्टिकुलर प्रोक्सीमिटी से बाहर निकले उस विनिटी से बाहर निकले तो अब आपको जहां दूरदराज़ इलाकों में आपने फतुहात की थी जो इलाके आपने कैप्चर किए थे उनको आपने मैनेज तो करना था जब आपने उनको मैनेज करना था तो अब आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो कि वाकई पढ़े लिखे होने के साथ साथ उस काम में स्किल्ड भी हूं अच्छे अकाउंटेंट हों अच्छे फौजी हों अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों सो ऑन पचपन आपसे पिछले उसमें मैंने स्टेन की पिछले लेक्चर में मैंने स्टेन की एक कोट भी आपके साथ शेयर की थी जिसमें उसने कहा था कि आई एम एट ए लॉस टू कंप्रीहेंड आर आई एम एट ए लॉस टू ट्रांसलेट वॉट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर ए लेबोरेट वट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट इज सो मैनी थिंग्स तो उसी स्टेन की बात हो रही है स्टेन इन 1855 जर्मन प्रोफेसर फ्रॉम वियाना इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां से सिलसिला शुरू हुआ स्टेन ने इसके बारे में कहना शुरू किया स्टेन टॉट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलाइज ऑन मैनी प्री स्टैब्लिश डिस सोशोलॉजी पोलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड पब्लिक फाइनेंस उसका ख्याल यह था और वो लोगों को पढ़ाता भी यही था उनको बताता भी यही था कि ये कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है ये बहुत सारे फील्ड्स के साथ ये कनेक्टेड फील्ड है जैसे सोशोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कि हमने कैसे कैसे लॉ को एडमिनिस्टर करना है उसको इंपोज करना है लोगों के ऊपर ताकि वो लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन बन सकें और पब्लिक फाइनेंस ये जो गवर्नमेंट खजाने अपने डेवलप करेगी बैतुलमाल बनाएगी या इस तरह उसकी जिसको हम एक चक्र कहते हैं उसको कौन देखेगा उसके लिए जाहिर है कि लोग ऐसे होने चाहिए जो कि स्किल्ड हों। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेटिंग इंटेग्रेटिंग बहुत सारे काम आप आर्ट के साथ सिर्फ नहीं कर सकते आर्ट एक सोच का नाम है क्रिएटिविटी का नाम है लेकिन बाद जगहों पर आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है आपको सीक्वेंस के साथ एक प्रोसेस करना पड़ता है तो उसका ख्याल भी यह था कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक इंटीग्रेटेड साइंस है एंड स्टेटेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी विद बोथ एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते उस वक्त तक हम उस चीज में कैपेबिलिटी या उसमें हम प्रोफिशेंट नहीं होते जब हम उसमें प्रोफिशेंट हो जाते हैं फिर हम चाहते हैं कि हम इससे एक स्टेप और आगे जाए अब उससे एक स्टेप और जाने के लिए आगे जाने के लिए हमें थेरी को पढ़ना पड़ेगा ना जब थेरी पढ़ेंगे मुख्तु लोगों के ख्याल जानेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे इंटरव्यूज करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रैक्टिस में ये ये गैप्स हैं और इन गैप्स को हम और आगे लेके जा सकते हैं बेहतर कर सकते हैं इन गैप्स को क्लोज कर सकते हैं वुड्रो विल्सन बात फिर वुड्रो विल्सन पर आ गई वुड्रो विल्सन इज कंसिडर्ड दर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेन के बारे में क्या कहा था वॉज कंसिडर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वुड्रो विल्सन जो है 1887 स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी चीजें लिखी मैं अभी आपको बताता हूं द फ्यूचर प्रेजिडेंट रोट मैंने आपको यह भी बताया था कि वो अमेरिका का वन टाइम प्रेसिडेंट भी था द फ्यूचर प्रेसिडेंट रोड दैट इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी टू डिस्कवर फर्स्ट वट गवर्नमेंट कैन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली डू अगर मुझे यही पता नहीं होगा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को यह पता नहीं होगा या मेरी कम्युनिटी को यह पता नहीं होगा कि हम कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं नंबर एक और नंबर दो हमारी प्रायोरिटी क्या है जब तक हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते और हम फिर ये नहीं सोचते कि हम इस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं उस वक्त तक हम उस काम को सक्सेसफुली नहीं कर सकते सेकेंडली सेड हाउ इट कैन डू दीज प्रॉपर थिंग्स विद द अटमोस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी एंड एट लीस्ट पॉसिबल कास्ट ईदर ऑफ मनी आर ऑफ एनर्जी इसके बारे में भी जब हम थर्ड लेक्चर में रोल के बारे में बात कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो उसमें भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये जितना एफिशिएंसी जो है विद लीस्ट रिसोर्सेस लीस्ट कॉस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट आउटपुट ये दोनों चीजें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों चीजें जो है इसमें होनी चाहिए विल्सन वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ फोर कॉन्सेप्ट्स उसके लिए चार कॉन्सेप्ट क्या थे नंबर वन सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि दोनों चीजें जो हैं ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स से रहे और एडमिनिस्ट्रेशन रहे जो पॉलिटिक्स uh, है जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम ये है कि वो लॉज बनाएं वो रूल्स बनाएं वो रेगुलेशंस बनाएं और एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होना चाहिए कि वो उनको इंप्लीमेंट करें वो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स उनको दे दिए जाएं और उनसे कहा जाए कि अब आप इनको इंप्लीमेंट करें नथिंग मोर नथिंग लेस अदरवाइज इनका रिलेशनशिप इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो मिलके खुद ही लॉज भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ उनको अनैक्ट भी कर रहे हैं उनको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तो ये चीजें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए हिज सेकेंड कॉन्सेप्ट वॉज कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ पोलिटिकल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि हमेशा जो uh, हमें एनालिसिस करना चाहिए कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए कंपेयर करना चाहिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हमें यह देखना चाहिए कि कहाँ काम बेहतर हो रहा है और उस कंपैरिजन से अगर कोई गैप्स आ रहे हैं उसने अगर पब्लिक सेक्टर जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं हो रही तो हम लीड लें उस प्राइवेट सेक्टर से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं और जिस तरह वो काम कर रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए

अपना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हमेशा तो प्रॉफिटेबल होता है लेकिन जो ही हम गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने सारी फंडिंग करनी है और गवर्नमेंट ने हमें भी तनखाएं देनी है हम उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि हमारी अप्रोच जो है वो बिजनेस लाइक नहीं होती और ना ही हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टूवर्ड्स ऑपरेशन वो बिजनेस लाइक होता है नंबर फोर Improving the effectiveness of public service through management and by training civil servants, merit-based assessments. अब ये दो चीजें कि जब भी आप civil servants को recruit करें तो उनके लिए बहुत strict किस्म का एक merit होना चाहिए और उस merit से हमें refrain नहीं करना चाहिए. Once we will try not to refrain from the merit. विल गेट गुड पब्लिक सर्वेंट्स और जितने अच्छे पब्लिक सर्वेंट्स होंगे अल्टीमेटली विल बी एबल टू डिलीवर एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली आप हमारे पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लीजिए पाकिस्तान में भी सिविल सर्विसेज का पूरा एक सेटअप है एक स्ट्रक्चर है ग्रेड सोलह से लेके आप वर्ल्ड एफ पी जो है वो इम्तहान कंडक्ट करती है उनको लेती है उसके बाद उनको लेने के बाद उनके उनकी ट्रेनिंग भी करती है उनकी डेवलपमेंट भी करती है और फिर उनकी मैरिट बेस्ड सेसमेंट्स भी होती रहती हैं कि अच्छा इसको फ्लां जगह जाना चाहिए क्योंकि इसका मैरिट ये है और इसके अंदर ये ये क्वालिटीज हैं और चूंकि दूसरे के अंदर ये ये क्वालिटीज हैं इसलिए उसको फ्लां काम देना चाहिए द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिन सब्जेक्ट ऑफ लास्टिंग डिबेट आज तक ये डिबेट चल रही है कि क्या वाकई पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग होना चाहिए क्या ये पॉसिबल है वो भी लोग हैं ये भी लोग हैं आप अपनी हमारे यहां पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उसी में देख लें बहुत सारे लोग वो रिलेटिव हैं उन लोगों के जो के असेंबली में बैठे हैं और जब वो रिलेटिव हैं तो वह कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाती है एक दो एग्जांपल्स मेरे पास ऐसी हैं जो कि किसी वक्त दी जा सकती हैं लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है हम वक्त का इंतजार करेंगे कुछ अरसे बाद कुछ लेक्चर्स के बाद हम इन चीजों को भी जब हम एंट्रेंच हो जाएंगे अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में कि हम इंफॉर्मेशन जो भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो हमें मिल जाए फिर हम बाकी बाद में बातें करेंगे हम आगे चलते हैं बाई दाइनटीन ट्वेंटी स्कॉलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड रिस्पॉन्डेड टू विल्सनस सोलिसिटेशन इन दस टेक्सट बुक्स इन दिस फील्ड वर इंट्रोड्यूस्ड बाई यूथर गुलेक आई हे ऑलरेडी मैं फॉयल फ्रेडरिक टेलर एहर्स बहुत सारी किताबें उन्नीस सौ की दिहाई में बीसवीं सदी में बहुत सारी किताबें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी जाने लगी Frederick Taylor Frederick Taylor is father of scientific management Frederick Taylor whose span was from 1856 to 1915 published a book entitled The Principles of Scientific Management in 1911 he believed that scientific analysis would lead to the discovery of one best way to do things and or कैरिंग आउट एन ऑपरेशन बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हम एक काम करते हैं फिर उसको दूसरी करते हैं फिर उसको तीसरी तरह करते हैं फिर उसको चौथी दफा करते हैं फिर पांचवी दफा करते हैं और हम ये समझते हैं कि वो जो तीसरी दफा काम किया था ना दैट वॉज द बेस्ट वे टू डू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए जॉब और अगर हम ये चूज कर लें कि चूंकि दैट वॉज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब दिस पर्टिकुलर जॉब सो लेट्स चूज इट एज दी फाइनल वन और उसी पर आइंदा से हम काम करना शुरू कर दें और उसी को हम इंप्लीमेंट करें ही बिलीव दैट साइंटिफिक एनालिसिस वुड लीड टू डिस्कवरी ऑफ देश वन बेस्ट वे और उसका ख्याल यह कि बेस्ट का मतलब है ओनली वन दो बेस्ट नहीं हो सकते तीन बेस्ट नहीं हो सकते चार बेस्ट नहीं हो सकते और उससे होगा क्या कि जब हम एक वन बेस्ट वे अडॉप्ट कर लेंगे दैट विल अल्टीमेटली हेल्प अस सेव कॉस्ट इन टाइम इस पर काफी लोगों ने उस वक्त भी डिस्कशंस की काफी बहस चलती रही लोगों ने इसे डिसग्री भी किया उस पर भी किताबें लिखी गई उस पर आर्टिकल्स भी बेतहाशा लिखे गए अब हम आ जाते हैं नाइनटीन में में सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडवोकेटेड बाय विल्सन स्टिल कंटिन्यूज टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे है ना आज भी आप देख लीजिए कि हम चाहते हैं यही है इफ आई एवर द बॉस इफ आई वॉज एट देम ऑफ दर्स मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो मिलकर कोई काम करे खुद ही पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हो और खुद ही उनको इंप्लीमेंट कर रहे होवर द डोमिनस ऑफ दिस डाइकॉटमी वॉज चैलेंज बाई सेकेंड जनरेशन स्कॉलर्स बिगिनिंग इन दाइनटीन फोर्टीज और आपको गुलिक का नाम याद होगा मैंने आपके साथ दसरा इसका काफी दफा कर चुका हूं लूथर और गुलिक, ये इसके बहुत क्रिटिक्स थे और की कंटेंडर्स थे फॉर विलसन प्रपोज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी उनका ख्याल ये था कि एक कंट्रेडिक्शन है ऐसा हो नहीं सकता बहुत सारी जगहों पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है और उन्होंने वो करके भी दिखाया कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी एक सफियर में है और एक दूसरा सफियर जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है इन दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जितना ज्यादा मर्ज होते चले जाएंगे हो सकता है खराबी हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो मर्ज करना पड़ेगा और वो हिस्सा जो मर्ज होगा बेसिकली वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि कुछ हिस्सा जो है वो आपको रूल्स रेगुलेशंस और डायरेक्शंस की तरफ से आ रहा है और कुछ हिस्सा आप इंप्लीमेंटेशन का मिला रहे हैं तो वो हिस्सा जो है वो हर सूरत में इन दोनों का आपस में ताल्लुक रहेगा बहुत ये सिलसिला चलता रहा इन प्लेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्प्लिट गुलिक स्प्लेट सीमलेस वेब ऑफ डिस्क्रेशन एंड इंटरेक्शन उसका ख्याल ये था कि ये सीमलेस जो भी मैंने आपको स्फीयर्स की बात की कि स्फीयर्स ऑटोमेटिकली जो है वो मर्ज होते चले जाते हैं और कुछ हिस्सा उनका मर्ज हो जाता है और जो हिस्सा उनका मर्ज हो जाता है और एक हो जाता है उसको हम कहते हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इस पर बहरहाल आज भी बहस जारी है अब हम टेलर की अप्रोच के बारे में बात करते हैं टेलर हैड वेरी प्रिसाइज आइडियाज अबाउट हाउ टू तो इंट्रोड्यूस हिज सिस्टम क्योंकि वो जानता था कि वन बेस्ट वे ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है हम जब चीजों को करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि व्हाट इज दी वन बेस्ट वे इट इज ओनली थ्रू एनफोर्स्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड्स, आप जब स्टैंडर्डाइज करते चले जाएंगे आप जब बेंचमार्क बनाते चले जाएंगे आप जब स्पेसिफिकेशन देते चले जाएंगे तो ऑटोमैटिकली आपके पास वन बेस्ट वे आ जाएगा सो यू सेट इट इज ऑनली थ्रू एनफोर्स्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैथड्स एनफोर्स्ड एडोप्शन ऑफ द बेस्ट इंप्लीमेंट्स एंड वर्किंग कंडीशंस

कोमलेटिव कोऑपरेशन नहीं है आपके लिए वो काम करना बहुत मुश्किल होगा अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पोस्ट कॉर्प पी ओ एस डी सी ओ और बी गुलिक डेवलप्ड अ कंप्रिहेंसिव जेनेरिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्फेसाइज्ड द साइंटिफिक मेथड एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड कंट्रोल उसका ख्याल ये था कि अगर हम ये सारे काम जो उसने लिखे हैं ये अगर प्रॉपरली इसी तरीके से कि हम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें पहले प्लान कर लें फिर उसको ऑर्गेनाइज कर लें जब हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर लें तो हम स्टाफ भी बहुत अच्छा ले लें सो लेट्स सी वरी सेज गुल सम समराज द ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स विद एन एक्म पोस्ट कॉब जिसका मैंने आपसे जिक्र किया विच स्टैंड फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग उसका ख्याल यह था कि अगर प्लानिंग बहुत अच्छी हो एंड देन ऑन दैट प्लानिंग वी ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज

जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एक प्रोसेस जो हो रहा है उस प्रोसेस के हो सकता है चार पांच जगहों पर डिफरेंट एक प्रोडक्ट जो बनती है उसके तीन चार पांच प्रोसेस हों एक प्रोसेस आपने वक्त पे कर लिया जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं होता और वो प्रोसेस दोनों मिलते नहीं है तीसरा प्रोसेस शुरू नहीं होता पता चला आपने तो अपना काम वक्त पे कर लिया लेकिन दूसरे ने अपना काम वक्त पे नहीं किया अब आपको इंतजार करना पड़ेगा जब आप इंतजार करेंगे तो आपके रिसोर्सेज इसका मतलब ज़ाया हो रहे हैं तो उसका ख्याल यह था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है रिपोर्टिंग वॉट एवर इज मॉनिटरिंग रहेगी दूसरा यह है कि हमें पता चलना शुरू हो जाएगा इन एक्चुअल कि जब हर काम हम ठीक करते रहे हैं तो फिर भी अगर गैप्स आए हैं तो वो कैसे आए हैं एंड बजटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहां कहां खर्च होंगे कैसे कैसे खर्च होंगे और कौन कौन उनको खर्च करेगा ये सारी चीजें जो थी ये जो कॉन्सेप्ट था पोस्ट कॉप का इसको हम एक दफा और याद कर लेते हैं ताकि आपके जिन में रहे सबसे पहले है प्लानिंग उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग फिर है स्टाफिंग फिर है डायरेक्टिंग सी और ओ मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेशन फिर है रिपोर्टिंग एंड फाइनली बजटिंग मिड नाइनटीन फोर्टीज थियरिस्ट चैलेंज विल्सन एंड गुलेक फोर्टीज के बाद के जो लोग आए जाहिर है एवोल्यूशन होती रहती है ना उस एवोल्यूशन में जो नए सोशल साइंटिस्ट आ रहे थे जो नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्न आ रहे थे उन्होंने उनकी थियोरीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया उनका ख्याल यह था कि द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी रिमेन देंटर ऑफ क्रिटिसिज्मीक नहीं है इन द नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज गवर्नमेंट इट्स सेल्फ केम अंडर फायर एज इनफेक्टिव इनएफिशेंट एंड लार्जली वेस्टेड एफर्ट और उसकी वजह क्या थी आपको पता है कि 70s में वो वेतनाम वाषू हो गई थी उसमें ना सिर्फ मॉनेटरी लॉस हुआ बेतहाशा मॉनेटरी लॉस हुआ अमेरिका का उसके साथ साथ बहुत सारे अमेरिकन्स मारे और जो सोशल साइंटिस्ट थे उस वक्त उनका ख्याल यह था कि यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और ये फेलियर सिर्फ इसलिए है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को ये जब कहते हैं अलग अलग रखा जाए तो इस कंट्रडिक्शन की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हुई है उसके अलावा अगर आपको वाटरगेट स्कैंडल याद हो, रिचर्ड निक्सन के दौर में एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था जिसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके हेडक्वार्टर्स के टेलीफोन जो हैं टेप किए गए थे और इसके ऊपर रिचर्ड निक्सन जो एक बहुत ही पढ़ा लिखा बहुत ही विजन वाला प्रेसिडेंट था उसको रिजाइन करना पड़ा था तो उनका ख्याल ये था कि ये जो हमने डाइकॉटमी क्रिएट की हुई है कंट्रडिक्शन क्रिएट की हुई है पॉलिटिक्स को अलहदा कर दिया हुआ है हम कहते हैं जी पॉलिटिक्स अलहदा रहे और एग्जेक्टिव जो है वो अलहदा रहे दैट इज प्रॉबली क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम और इसी पर ये इस चीजें चलती रहीं देर वॉज ए कॉल बाय सिटीजन फॉर एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन टू रिप्लेस इनफेक्टिव वेस्टफुल बेरोक्रेसी इलेक्टेड ऑफिशियल सपोर्टेड दीज रिफॉर्म्स उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं ब्राउन लो जो कि एक शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था पब्लिक ही इनफैक्ट फाउंडेड दब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एट यूनिवर्सिटी और वो उसके बाद नाइनटीन में गवर्नमेंट को भी काफी सारी इसमें हेल्प करती रही उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती रही अब हम वर्ल्ड वॉर टू के बाद आ जाते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू the whole concept of public administration expanded to include policy making and analysis. policy making and analysis. Thus the study of administrative policy making and analysis were introduced and enhanced into the government decision making bodies. और इसी में ही आ, अगर आपको याद हो थोड़ा सा जब हम और आगे जाएंगे तो आपको आ, एल्गोर का नाम भी मिलेगा उसने भी काफी सारा काम किया है वाइस प्रेसिडेंट था क्लिंटन के दौर में लेटर ऑन द ह्यूमन फैक्टर बिकेम अ प्रीडामेंट कंसर्न एंड एम्फेसिस इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल ये था कि हर चीज जब हम कॉमन गुड के लिए कर रहे हैं तो हमारा फोकस भी कॉमन गुड होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए मार्क्स विद बुक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फोर्टी सिक्स बाय एपल बाय का नाम भी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मिरीनी टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया Towards the reconstruction of public administration. Or is she say Jo revolution the or jo reforms the or jo transformation? In the late 80s, yet another generation of public administration theorists began to displace the last. The new theory, which came to be called as New Public Management, NPM, was proposed by Osborne and Ted. गैबलर इन दर बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट और ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो इन्होंने री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के बारे में बात की क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में वाइस प्रेजिडेंट एल्गोर एडॉप्टेड एंड रिफॉर्म्ड फेडरल एजेंसीज यूजिंग एनपीएम अप्रोचेस सम मॉडर्न आर्थर्स डिफाइन एनपीएम एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लिटिंग लार्ज बुरोक्सीज इन स्मॉलर मोर फ्रेगमेंटेड एजेंसीज हम कितना मुश्किल काम है अगर चीजों को सेंट्रलाइज कर लिया जाए और बहुत दूर बैठ जाए और वहां से कोशिश की जाए चीज़ों को मॉनिटर करने की भी और एडमिनिस्ट्रेट करने की भी दिस बिकम्स इम्पॉसिबल ह्यूमनली इम्पॉसिबल उसके लिए जरूरी है कि हम उसके सब यूनिट्स बनाना शुरू कर दें उसकी सब एजेंसी बनाना शुरू कर दें स्मॉलर यूनिट्स बनाना शुरू कर दें और उसके साथ साथ उन पब्लिक और प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी पैदा कर दिया जाए ताकि पता चले कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं ये सारे ट्रेंड्स जो आने शुरू हुए इसमें एक ट्रेंड ऐसा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि वी शुड टेक आर पीपल एज कस्टमर्स आर क्लाइंट्स और जब हम ये कहेंगे कि आर कस्टमर इज द किंग तो हम जाहिर है उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे जब हम शहरी कहते हैं तो हम वी टेक

उसका रिलेशनशिप तो नफे नुकसान से है कस्टमर आपसे उस वक्त सिर्फ चीज लेगा जब उसके नफे में होगी नुकसान में तो नहीं होगी तो उनका भी ख्याल यह था कि हम सिटीजन citizen को सिटीजन ही रहने दें प्रॉफिट उसकी तरफ हम उसको कस्टमर की तरफ ना लेके जाए इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पीपल आर व्यूड एज इकोनॉमिक यूनिट्स नॉट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स द मॉडल इज स्टिल वाइडली एक्सेप्टेड एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इन मैनी कंट्रीज अब हम इस एरा की तरफ आ जाते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ एन अदर न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल इज वट हैज बिन कॉल्ड न्यू पब्लिक गवर्नेंस अगर आपको याद होगा तो हमने गवर्नेंस का जिक्र किया था एन अप्रोच विच इंक्लूड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एन इंक्रीज नंबर रोल एंड इंफ्लुएंस ऑफ पार्टिसन पोलिटिकल स्टाफ पर्सनल मतलब हिस्सेदारा हेल्प करना हेल्पर बन जाना अब उनका ख्याल यह है कि अगर पार को सेंट्रलाइज कर लिया जाए एक तरीके से और उसके बाद उसका नंबर बढ़ा दिया जाए उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ा दिया जाए और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो भी बढ़ा दिया जाए और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को जो कि डायरेक्टली पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है लेकिन उनको पब्लिक सर्विस के रोल्स दे दिए जाएं जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं लोकल बॉडीज में यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है अब वो एक इलेक्टेड मेंबर है लेकिन पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट का एक ऑफिस जो है म्यूनिसिपल कमेटी जो एक पब्लिक सर्विस का ऑफिस है उसको वो चेयर कर रहा है उसको वो हेड कर रहा है तो बाकी सारी एग्जेक्टिव उसके अंडर आ जाएगी वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसी डीड के लिए किसी रॉन्ग डीड के लिए जितने के बाकी पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो जिम्मेदार होंगे तो जना ये आज का हमारा एक एवोल्यूशनरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक व्यू पॉइंट था एक डिस्कशन थी मैं चाह रहा था कि आपको एटलीस्ट जो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि ये इवॉल्व कैसे हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आपको ना सिर्फ पता हो बल्कि आपने उसको अपने जेन में भी रखा हो मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप बैठे आप अपने पास एक कापी और एक पेंसिल जरूर रखिएगा और चूंकि मुझे याद था इसलिए मुझे आपसे पूछना जरूर है कि क्या आपने अपने पास कापी और पेंसिल रखी हुई थी और क्या आपने जो कुछ हमने आज डिस्कस किया और जो कुछ आपने सुना क्या उस पर आपने नोट्स बनाने की कोशिश की अच्छा जी आज अब आपके लिए जो कोर्ट ऑफ द डे है मैं आपको ये कोर्ट ऑफ द डे सुनाता हूं और कोर्ट ऑफ द डे सुनाने के बाद मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा और वो एक रियल लाइफ स्टोरी है इस पर्टिकुलर कोर्ट से रिलेट करती है बहुत सारी कोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं हमें पहले से बेहतर काम करने की तरगीब देती हैं हमें उस लेवल से जहां पर हम समझते हैं हम ये काम नहीं कर सकते उस लेवल पर ले आती हैं जहां पर हम ये समझते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं जैसे वो कहते हैं कि जी ये जो इम्पॉसिबल लिखा हुआ है इसका मतलब है आई एम पॉसिबल और ये जो आ, डोंट क्विट है इसका मतलब यह है कि अगर डोंट में से डू रहने दिया जाए और क्विट में से इट रहने दिया तो इसका मतलब डू इट जब तक आप वो काम करेंगे नहीं उस वक्त तक वो काम जो है वो पाया तकमील को कैसे पहुंचेगा और वो सेटिस्फैक्शन आप कैसे डिराइव करेंगे जब तक वो काम आप अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे सो लेट्स कम बैक टू द कोर्ट ऑफ द डे ओनली यूज ऑफ एन ऑप्स्टिकल is to be overcome. All that an obstacle does with brave men is not to frighten them, but challenge them. आपको समझ आई की होगी कि obstacles जो हैं हमारे रास्ते में आती हैं, but let us take them as challenge. अब चूंकि challenge की बात हो रही है, तो मैं आपके साथ एक real life story share करता हूँ. Intel का नाम सुना आपने? इंटेल इनसाइड सुना होगा दुनिया की जितनी भी कंप्यूटर कंपनीज हैं दे टेक प्राइड इन अनाउंसिंग एंड एडवरटाइजिंग दैट वी यूज सेमीकंडक्टर चिप्स इन आर पीसीज विच आर मेड बाय इंटेल अब इंटेल का जो ऑनर सीईओ था उसका नाम था ग्रॉफ एंड्रेस ग्रॉफ ये एंड्रेस ग्रॉफ जो था ये हंगेरियन था हंगरी में जब जर्मनी ने हंगरी के ऊपर हमला किया तो पांच लाख के करीब लोग मर गए इसका जो फादर था वो चूंकि नाजिस के खिलाफ लड़ रहा था वो कैदी बना लिया गया उसको जेल भेज दिया गया और इसके पास कोई चारा नहीं था ये बीस साल का था उस वक्त बस आम कॉलेज में पढ़ रहा था ये सारा जब वाकया हुआ तो ये वहां से भाग के आस्ट्रिया आ गया जब ये आस्ट्रिया आया और उसने देखा कि आस्ट्रिया में भी रहने के कोई इसको कोई मौाक नजर नहीं आए तरक्की के भी कोई मौाक नजर नहीं आए क्योंकि समझ नहीं आ रही थी ये कमाएगा कैसे और खाएगा कैसे तो किसी ना किसी तरीके से ये करता कराता अपने एक दोस्त के साथ ये अमेरिका पहुंच गया जब ये अमेरिका पहुंचा तो पहुंच इसके पास कुछ भी नहीं था और चूंकि ये छुप छुपा के आए थे इनके पास कोई वैलिड परमिट भी नहीं था कोई पासपोर्ट भी नहीं था इसलिए कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी तो इसने छोटे मोटे इसने काम करने शुरू कर दिए काम करते करते इसने कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए ये पैसे बचाता रहा और एक दिन ये यूनिवर्सिटी पहुंच गया यूनिवर्सिटी जाके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पहुंच गया और उसने जाकर कहा कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है मैं मास्टर्स करना चाहता हूं मैथमेटिक्स में और मजे की बात यह है कि इंग्लिश नहीं बोल सकता था मरते दम तक जो इंग्लिश बोलता था वो हंगेरियन डायलेक्ट में ही बोलता था उसी लहजे में बोलता था खैर ये जब उस डिपार्टमेंट में गया तो उस डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया ये इंटरव्यू के लिए चला गया वो इसको इंग्लिश भी नहीं आती उन्होंने दो तीन कॉन्सेप्ट जिससे पूछे उनका जवाब भी नहीं दे सका ठीक तरह से लेकिन इसने अपने प्रोफेसर साहब से कहा कि सर वट मे कम आई एम डिटर्मेंड आई हैव टू डू दिस मास्टर्स डिग्री आर दर्कमस्टांसिस प्रोफेसर ने उससे कहा ये सामने दीवार देख रहे हो उसने कहा देख रहा हूं उसने कहा कितनी ऊंची है उसने कहा चौदह पंद्रह फुट होगी उसने कहा इसको फलांग सकते हो उसने कहा नहीं उसने कहा जिस तरह तुम इस दीवार को नहीं फलांग सकते ना इसी तरह मैं तुम्हें ये लिख कर देने को तैयार हूं तुम मास्टर्स नहीं कर सकते मैं में, इसलिए अपना पैसा जाया ना करो अपना वक्त जाया ना करो जाओ जाके अपना काम करो जो तुम्हारा करने वाला है ये बहुत डिसअपॉइंट हुआ लेकिन उसने प्रोफेसर से कहा मैं आपको ये मास्टर्स करके दिखाऊंगा खैर ये गया इसने जाके अपनी फीस जमा करा दी और इसने पढ़ना शुरू कर दिया ये जहां रहता था यूनिवर्सिटी उससे आठ किलोमीटर दूर थी आठ मील दूर थी उसने अपना एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए उसके पास पैसे नहीं होते थे अब उसने सफर करना होता था जिस दिन वो दोपहर का खाना खाता था उस दिन वो पैदल आता था और पैदल जाता था और जिस दिन वो दोपहर का खाना नहीं खाता था उस दिन वो बस पे चला जाता था और बस पे वापस आ जाता था बहरहाल टू कट द स्टोरी शार उसने वो मास्टर्स किया और उसी मास्टर्स करने के दौरान ही वो जो एक दोस्त जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था जिसके साथ वो अमेरिका आ गया इन दोनों ने चूँकि इसका दिमाग पहले ही इस साइंस की तरफ बहुत चलता था इन्होंने उस चिप पे काम करना शुरू कर दिया पहले पता ना आपको बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी रेडियो होता था एक बड़ा सा उसके अंदर ट्यूब्स होती थी और काफ़ी बड़ा रेडियो आपको लेना पड़ता था फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए ट्रांजिस्टर्स के बाद चिप्स आना शुरू हो गई तो इसने चिप बनानी शुरू कर दी और वो चिप्स जो वो छोटी मोटी बना के इसने बेचना शुरू कर दिया उसे इसके हालात भी थोड़े से बेहतर हो गए और उसके साथ साथ इसने अपना मास्टर्स का प्रोग्राम भी जारी रखा एंड अल्टीमेटली मेरी हिस्ट्री आप आज भी देख लें इंटेल का नाम अभी भी क्वालिटी की निशानी है और यही वजह है कि दुनिया की जितनी भी कंप्यूटर कंपनीज हैं अभी भी वो ये चाहती हैं कि उनके अंदर जो चिप्स लगी हों, उनके कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी हों, वो इंटेल की हों। ये वो रिजॉल्व है कि नो ऑब्स्टिकल इज एज हाई एज माई ड्रीम एंड आई डू इट ही डिड इट मैं कोर्ट को दोबारा आपके लिए एक दफा पढ़ता हूं दी ओनली यूज ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज टू बी ओवरकम एन ओवरकेम ऑल दैट एन ऑब्स्टिकल डज विद ब्रेव मैन इज नॉट टू फ्राइट इन दैम बट टू चैलेंज दम वो जो एक चैलेंज था अब पता नहीं प्रोफेसर साहब ने वाकई उसको चैलेंज के लिए कहा या प्रोफेसर साहब मेंटेड कि तुम ये काम नहीं कर सकोगे बट दैट बिकेम दैट वन सेंटेंस बिकेम अ चैलेंज फॉर मिस्टर ग्रॉफ उसने अपना नाम जब वो वहां से चला था तो उसका नाम आंद्रेस ग्रॉफ था यहां आके जब वो अमेरिका में आया सेटल हो गया उसने अपना नाम एंड्रयू ग्रूव कर लिया और फिर उसके बाद एंड्रयू ग्रूव के नाम से ही जाना पहचाना जाता रहा लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो एक चैलेंज जो था इट नेवर वॉज एन ऑप्स्टिक उसने उसको अबूर किया और वो उस लेवल तक पहुंचा जहां पर अभी तक जैसे हम आज उसका तस्कर कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है जितने भी लोग इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उनको पता है कि एंड्रयू ग्रूव कौन है आज जनाब आज के लिए इतना ही काफी है इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदाफिज